वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। यूपी चुनाव में कांग्रेस की योद्धा इतनी जल्दी पलट जाएगी, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। विधानसभा चुनावों में खुद को पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा बताने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने बयान से पलट चुकी हैं। सीएम कैंडिडेट के सवाल पर उनके बयान मेरे सिवा कोई और दिख रहा है की चर्चा होने लगी थी, किसके बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया की मीडिया पूछ रही थी इसलिए उन्होंने ऐसे ही कह दिया और इसे अब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। प्रियंका ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला पार्टी करती है। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया द्वारा बार बार मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करने के कारण उन्हें ऐसा कह दिया था। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि पार्टी तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, ये मेरी पार्टी का तरीका है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा बढ़ चढ़ के कह दिया क्योंकि बार बार आप लोग यही सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने प्रदेश हैं और इतने प्रभारी हैं, चाहे वो कांग्रेस को हो या भाजपा के हो, उनसे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल नहीं पूछा जाता और उनसे ही ये सवाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं या नहीं, क्यों नहीं पूछ रहे, मुझसे क्यों पूछते हैं। बता दें कि बीते शुक्रवार को ही पार्टी के घोषणा पत्र के ऐलान के दौरान प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को संकेत दिया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से वही मुख्यमंत्री का चेहरा है। दरअसल पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में उनके सिवाय और किसी का चेहरा दिख रहा है। प्रियंका ने कहा कि प्रदेश में हर जगह पर उन्हीं का चेहरा दिख रहा है। कमाल है कि दीदी कभी अपने चेहरे को सबसे मजबूत चेहरा बताती है तो कभी खुद ही मुख्यमंत्री के चेहरे से नाम हटाती है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।